नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। लॉकडाउन मनवाने के लिए पुलिस वाले बौसी थाना के श्याम बाजार में लगे हाट को बंद कराने के लिए पहुंचे। इस दौरान दुकानदार से झड़प हो जाती है और दुकानदार खौलता हुआ गरम तेल पुलिस वाले के ऊपर फेंक देते हैं, जिसमें थाना प्रभारी राजकिशोर सिंह, अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद, आरक्षी आनंदी यादव गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आनन फानन में हाट मालिक ललन सिंह पहुंचते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हाट मालिक से भी दुकानदार उलझ जाते हैं। श्याम बाजार स्थित हाट में पकौड़ी मुड़ी घुगनी के दुकान चलाने वाले दुकानदार गणेश पंडित को पुलिस ने मना किया दुकान बंद कराने आए, इसी पर पुलिस वाले पर उसने गरम तेल, खौलता हुआ तेल फेंक दिया। कह सकते हैं आप, पेट की भूख लोगों को मजबूर कर देती है कि वो हमला कर दे। लॉकडाउन पीरियड में लोगों के पेट में भूख लगी हुई है, आमदनी बंद है, घर के काम काज घर कैसे चले, जिसके लिए लोग जान पर खेल कर लॉकडाउन पीरियड में भी दुकान खोलने का प्रयास करते हैं। अब पुलिस वाले की जाति होती है, जिससे पुलिस वाले पर हमला कर दिया जाता है। लॉकडाउन मनवाने के लिए पुलिस वाले गए, लेकिन दुकानदार ने हमला किया, यह बड़ी खबर निकल कर आई। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।